ये हमारी टोमेटो आमलेट तैयार। इसका मजा आप सॉस के साथ, अचार के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। देखिए टेक्सचर्स इसका कितना प्यारा है, दोनों साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई किया है हमने। ये देखिए, ये है हमारी टोमेटो आमलेट। आमलेट बनाने के लिए है 1 कप बेसन मैंने ले लिया है, और अब उसमें डालेंगे हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर हम इसमें अजवाइन, और 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक काट लिए है, ये इसमें डाल देंगे। 3 टमाटर्स वो भी मैंने बारीक काट लिए है, आप चाहे तो 2 से भी काम चला सकते हैं। एज पर रिक्वायर स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है, आप चाहें तो 1 भी डालिए, तीखा नहीं खाना है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून अमचूर ले लेंगे, और ये भी अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी, अच्छा कलर लाने के लिए। थोड़ा सा चुटकी भर जीरा, 1/3 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/3 टीस्पून, आपको तीखा कितना खाना है उसी हिसाब से। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ताजा धनिया पत्ता। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी हम लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। पहले मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, 1 ग्लास पानी लिया था उसमें से आधा ग्लास ही मैंने डाला है। और अच्छे से सब मिक्स करने के बाद इसमें चुटकी भर मैंने जो है खाने वाला सोडा ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे, और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ये 20 मिनट हो गई है, ये बैटर को मैंने सेट करते हुए, देख सकते हैं आप बैटर पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का है। तो यहाँ मैंने प्री हीटेड एक फ्राइंग पैन ले लिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम ले लेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, अब फ्लेम को मीडियम करके इसमें हम ऑमलेट्स जो है फ्राई करना शुरू करेंगे। और इसको अच्छे से हम एक साइड से फ्राई कर लेते हैं। और हमने ऑयल लगा लिया है अच्छे से, और लगभग 8 से 9 मिनट एक साइड मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। कच्चे में तो हमें नहीं पलटना है, थोड़ा सा पक्का हो चुका है आमलेट, ये फ्लिप कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर ये साइड से आया हुआ है, बहुत ही प्यारा कलर हमारी आमलेट का। तो अब ये साइड भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। लगभग 10 से 11 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे मैंने आमलेट को इस तरह से फ्राई कर लिया है, चलिए देख लेते हैं। ये साइड भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर्स भी कितना प्यारा आया हुआ है आमलेट्स में। तो इसी तरह से हम जो है दूसरी आमलेट्स भी बना लेंगे, और रेस्ट ऑफ जितना भी हमारा ये बैटर बना है उससे आमलेट हम बना लेंगे।
तो तैयार है हमारी टोमेटो ऑमलेट्स, बिल्कुल प्यारी, एकदम टेस्टी और सिंपल है, बनाने में बिल्कुल आसान है। और बताइए आपको ये ऑमलेट कैसी लगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।